यहाँ मैंने फ्राई मिर्चों को जो है चाट मसाला डाल के लगा दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर के अचार का पेस्ट। तो मैंने तेल, हल्दी और मिर्ची डाली है। अब इसमें मैं थोड़ा लहसुन अदरक का बस मसाला डालूँगी। ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और हमने इसे अच्छे से मसाले को बना लेना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है, काटे हैं तो इस गाजर को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गाजर को अच्छे से खुश करके आप डालिएगा। तो इसका ख्याल रखा करें, गाजर खुश होने के बाद आप इसको डाला करें मसाले में, गीला गीला ना डाला करें वरना ख़राब हो जाता है अचार। और यहाँ पे मैंने मूली, खीरा और ये शलजम भी काटे हुए हैं, बहुत ही मज़े के हैं और मैं खा रही हूँ इसको साथ साथ। देखो खून बहुत तेज़ी से बनाता है। और सर्दियों में गाय सब्ज़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि इतनी फ्रेश सब्ज़ी होती है कि मज़ा आ जाता है खा के ना। तो बस आज मैं ये सब बनाने के लिए बैठी हुई थी, अब मैं खाना बनाऊंगी। सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो वही सोचते सोचते मैंने कहा चलो ये काट पीट लेते हैं, जब तक आइडिया भी आ जाएगा कोई ना कोई दिमाग में। तो गाइस गाजर का अचार मैंने मिक्स कर लिया है और ये शक्ल से इतना यमी लग रहा है। इसको आप रोटी पापड़ के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, सालन के साथ खाएँ, खिचड़ी के साथ खाएँ, यमी यमी यमी, इतना मज़े का लगता है ये अचार। और दाल चावल के साथ, कढ़ी चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और आप इसको नाश्ते में भी अगर आप रोटी पराठा लेते हैं ना और इसको खाएं और पराठा उसके साथ आप पापड़ लें, ओ हो क्या मज़ा आता है ना नाश्ते में भी। तो मैं तो अक्सर ये खाती हूँ, अंडा, रोटी और अचार, ये और पराठे और उसके साथ पापड़ के साथ, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए ये तो बन गया, अब हम मिर्चों को फ्राई करते हैं। तो गाइस मैंने जो है देखे मिर्चों को फ्राई करने के लिए रख दिया है तेल में। तेल गर्म होने के बाद मैंने मिर्चों को डाल दिया और अब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई होने के बाद इसे आप दाल चावल के साथ खाएं, चटनी के साथ, अचार के मतलब खिचड़ी के साथ, और सिर्फ प्लेन राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, यम यम यम, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बस मज़ा आ जाता है गाजर का अचार, तले हुए मिर्चे, पराठे, पापड़, चटनी, और है मज़ा आ जाता है। सर्दियों में तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना ये सब चीज़ें खाने का कि आप पूछे ही मत। तो बस ये फ्राई हो जाएंगे और फिर हम चटकारे ले लेकर अपना लंच करेंगे। लंच में मैंने आज बनाया है सालन चावल। तो ये है मुर्गी का सालन, जो कि रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और अब हम इसके मज़े ले लेकर खाएंगे चटनी के साथ, अचार के साथ, सबके साथ, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से फ्राई करते हैं मिर्चों को। तो गाइस नबीरा की हो रही है तबीयत ख़राब। नबीरा क्या हुआ? वैसे ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं और यहाँ ताहा को भी बुखार हो रहा था। दोनों भाई बहनों को साथ साथ बुखार हो गया और ताहा भी जो है आज निढाल पड़े हुए थे। तो अभी बस सोने की तैयारी चल रही है दोनों की। नबीरा क्या हुआ, तबीयत बेहतर हुई? नहीं, अभी भी हो रहा है, अजीब सी तबीयत हो रही है। ये सुबह से ऐसे ही लेटी पड़ी है, कुछ खाया भी नहीं है, बस एक एप्पल एप्पल खाया पूरा कि बचाया, बस पूरा करा। कुछ मीठा दे दो। कुछ मीठा दे दूँ? क्या खाना है मीठे में? चॉकलेट। चॉकलेट? अच्छा, चॉकलेट अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। शोर नहीं करो। तो गाय जी तो आज के ब्लॉग आए हो, क्या आपको वीडियो अच्छी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना इतना क्वालिटी की भी टाइम निकालते हैं मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।